मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हाँ जी, क्या हालचाल आप सभी के? मैं आपका दोस्त पठान दोबारा आ गया हूँ वीडियो के साथ। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें दिख रही होंगी। तो आज का एक्सपेरिमेंट साइंस एक्सपेरिमेंट होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो देखना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी मेन, वो है पोटेशियम पर मैग्नेट और H2SO4। ये दोनों बहुत ज़्यादा डेंजरस केमिकल होते हैं और ये है रबिंग एल्कोहल। ये मतलब आपको समझाता हूँ मैं नॉर्मल लैंग्वेज में। आप डॉक्टर के जाते हो, इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन से पहले जो आपको लगाता है ना, एक लिक्विड सा रब करता है आपके हाथ में और आपको ठंडा ठंडा लगता है, ये वही चीज़ होती है। सो आज का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे सबसे पहले हमें क्या करना है, ये H2SO4 है, इसके लिए हमें सेफ्टी ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ हम बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस केमिकल होता है। H2SO4 को हमारे पेट में भी होता है पर बहुत ज़्यादा स्मॉल मात्रा में होता है, मतलब होता यही है, डायल्यूटेड होता है, पर हमारे पेट में भी सेम यही एसिड होता है। आपने सुना होगा, हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया। तो सबसे पहले हम ये H2SO4 एक गिलास में डालते हैं। इतना बहुत होगा और उसके बाद हमें जो हमारा रबिंग एल्कोहल है इसको बहुत ध्यान से इसमें डालना है। सो इस टाइम हमने H2SO4 में आइसोप्रोपेन एल्कोहल मतलब रबिंग एल्कोहल भी डाला है और इन दोनों की अलग लेयर बन चुकी है और आप देख रहे होंगे इन दोनों से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है रिएक्शन, बस हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। जब हम डालेंगे इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जब आप देखिए कैसा जादू होता है। तो आइए अब पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं और उससे पहले हमें लाइट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइट बंद करने के बाद अच्छा इफेक्ट आएगा। हाँ जी, सो आपने देखा कि हमने आपके सामने एक छोटा सा तूफान बना के दिखा दिया था, जिसमें ऊपर बादल भी दिख रहे थे, नीचे बिजलियाँ चिंगारियाँ निकल रही थी। और जो मेन बात यह है कि ऐसा कुछ आप करने की घर पे मत सोचना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और ये क्या था, इसमें हमने तीन चीज़ें डाली हैं। जब सबसे पहले H2SO4 डाला हमने ग्लास के अंदर और उसके ऊपर से जो हम आइसोप्रोपेन एल्कोहल मतलब रबिंग एल्कोहल डालते हैं, तो हमें वो इतना हल्के डालना पड़ता है कि उसके ऊपर दो अलग अलग लेयर हो जाएं। जैसे कि आपने देखा कि रबिंग एल्कोहल की लेयर अलग थी और हमारे H2SO4 की लेयर अलग थी, जब हमने उन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और जैसे ही हमने उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डाला, तो आपने देखा कि इतना बहुत ज़्यादा कूल सा एक्सपेरिमेंट हुआ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में हमें आइडियाज़ देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसा कुछ आप घर पर मत करना। टेक केयर।